नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि भी हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण सस्पेंड हो गए हैं। इसके अलावा लखनऊ के एसएसपी कलानिधि पर भी अब गाज गिर गई है, वो भी हटा दिए गए हैं। आपको बताएं, काफी दिनों से यहां पर उत्तर प्रदेश में ये पूरा मामला चल रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला था। इसमें वैभव कृष्ण भी सामने आए थे, जो नोएडा के एसएसपी फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ के यहाँ पर एसएसपी यहाँ पर कलानिधि पर भी गाज गिरी है, कलानिधि भी हटाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, और अब यहाँ पर लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी भी हटाए गए हैं, और साथ ही वैभव कृष्ण ने 5 आईपीएस अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस दौरान भी उन्होंने आरोप लगाया था। और आज खबर, बड़ी खबर, यहां पर लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी हटाए गए हैं, और साथ ही वैभव कृष्ण को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पंकज चतुर्वेदी संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी? जानकारी के मुताबिक वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि जिन 5 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए थे ट्रांसफर पोस्टिंग खनन या घूस लेने के आरोप में, जिसमें खासकर अजय पाल शर्मा जो रामपुर के एसएसपी थे, उनको पीटीसी उन्नाव भेज दिया गया, यानी वहां से वो हटा दिए गए हैं। जबकि गाजियाबाद के एसएसपी को भी हटा दिया गया, वहाँ कलानिधि नैथानी की तैनाती दी गई है, उनकी जगह सुधीर सिंह को पीएससी वाहिनी आगरा भेज दिया गया है। तो जिन आईपीएस अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, खासकर उनको हटा दिया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा जो खबर आ रही है, नोएडा के एसएसपी को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, गोपनीयता भंग करने के लिए सर्विस रूल के खिलाफ कार्रवाई की, जो गोपनीय पत्र भेजा जिसमें 5 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी वो लीक करने का आरोप है। इसके साथ साथ एक विवादित वीडियो भी जारी हुआ था, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सर्विस रूल के खिलाफ जाकर के कार्रवाई। तो पंकज, ये जो अधिकारियों को हटाया गया है, इन्हें कहीं और इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, ये खबर है? देखिए, मेन टीम क्योंकि पुलिस प्रमुख है जिले के, यानी एसएसपी और एसपी थे, वहाँ से इनको हटा दिया गया है, और मुख्य धारा यानी मेन लाइन से हटा करके इनको आउटसाइड में भेज दिया गया है। अब यानी पीटीसी कोई है, कोई पीएससी में गया है, यानी प्राइम पोस्टिंग से सबको हटा दिया गया है। संभवतः जांच होने तक ये लोग बाहर रहेंगे। जो एसएसपी थे, जिन 5 आईपीएस अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो 5ों एसएसपी थे, यानी वहाँ उस पद से उनको हटा दिया गया, जिले का प्रभार छीन लिया गया है, मुख्यालय से या पीटीसी से या फिर ट्रेनिंग सेंटर से अलग अलग जगहों पे उनको अटैच कर दिया गया है। जबकि नोएडा की खबर आ रही है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है पूरे मामले में। शुक्रिया पंकज, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ये तो बड़ी खबर ये है कि जिन 5 आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उनको मेन मुख्यालय से हटा दिया गया है, मेन लाइन से हटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वैभव कृष्ण नोएडा के एसएसपी को सस्पेंड करके बड़ी कार्रवाई की गई है।